डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फूरियर सीरीज में पढ़ेंगे हाफ रेंज फूरियर सीरीज, जो कि दो टाइप की होती है, हाफ रेंज साइन सीरीज एंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। अभी वो डिपेंड करती है ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन पर। अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो रहा है, या लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जैसे कि ग्राफ है वो सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, यानी कि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन के लिए हमारे पास है हाफ रेंज साइन सीरीज, जिसका फॉर्मूला अगर इंटरवल पाई वाला दिया हो तो होगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एन इज इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स, और बी एन के लिए ये फॉर्मूला होगा टू बाई पाई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और अगर इंटरवल एल के फॉर्म में दिया हो तो नेसेसरी चेंजेस कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एन इज इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल होगा, और बी एन का फॉर्मूला हमारे पास होगा टू बाई एल इंटीग्रेशन जीरो टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, यानी कि ऑड फंक्शन के लिए साइन सीरीज बनेगी। अभी इवन फंक्शन देखते हैं, तो इवन फंक्शन में क्या होता है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स हो रहा है, या फिर ग्राफ की मदद से अगर कोई फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट ओनली वाई एक्सिस है, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं, और उसके लिए हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आएगी। ओके, और उसके लिए फॉर्मूला होगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए जीरो बाई टू प्लस सिग्मा एन इज इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स। ओके, और इंटरवल कौन सा होगा, पाई वाला, उसमें ए जीरो और ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए जीरो के लिए टू बाई पाई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई एफ एक्स डी एक्स, और ए एन का फॉर्मूला होगा टू बाई पाई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। और अगर इंटरवल एल वाले फॉर्म में दिया है तो हमारा एफ एक्स होगा ए जीरो बाई टू प्लस सिग्मा एन इज इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल, और उसके लिए ए जीरो का फॉर्मूला टू बाई एल इंटीग्रेशन जीरो टू एल एफ एक्स डी एक्स, और ए एन का फॉर्मूला टू बाई एल इंटीग्रेशन जीरो टू एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। यानी कि ऑड फंक्शन के लिए साइन सीरीज लेनी है, इवन फंक्शन के लिए कोसाइन सीरीज लेनी है, या फिर डायरेक्टली हमें बोल देंगे कि पर्टिकुलर इस फंक्शन के लिए हमें हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करनी है या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है। तो आज हम हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स, इंटरवल दिया है जीरो टू पाई, और इसके लिए हमें फाइंड करनी है हाफ रेंज साइन सीरीज। ओके, तो हम डायरेक्ट साइन सीरीज का फॉर्मूला लेंगे, और इंटरवल में क्या दिया है, पाई, सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एन इज इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स, इसको बोल देते हैं इक्वेशन वन। अभी फाइंड करते हैं बी एन, बी एन का फॉर्मूला है हमारे पास टू बाई पाई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, सो टू बाई पाई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई एफ एक्स की वैल्यू है पाई माइनस एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, अभी यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू यू वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री माइनस यू ट्रिपल डैश वी फोर एंड सो ऑन। अभी यहां पे ये होगा हमारा u, ये होगा हमारा v, सो 2 बाय पाई एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करते हैं पहले u एज इट इज, सो पाई माइनस x। v1 का मीनिंग क्या है कि v का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो sin nx का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos nx बाय n माइनस u डैश, यानी हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, पाई का डिफरेंशिएशन जीरो क्योंकि वो कांस्टेंट है,
और माइनस एक्स का होगा माइनस वन। वी टू यानी कि हमें वी वन का फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो कॉस एन एक्स बाय एन का होगा माइनस साइन एन एक्स बाय एन स्क्वायर प्लस यू डबल डैश यानी कि इसका फिर से डिफरेंशिएशन जो होगा जीरो, तो आगे के टर्म्स जीरो आएंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट है हमारी पे, हमारे पास जीरो टू पाई, टू अपॉन पाई एज इट इज। अभी देखो जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तब साइन वाले टर्म में यहां पे आ जाएगा साइन पाई, साइन एन पाई और साइन एन इंटू जीरो यानी कि साइन जीरो, तो साइन एन पाई और साइन जीरो की वैल्यू है हमारे पास जीरो, तो ये टर्म लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जीरो हो रहा है। अभी कॉस वाले टर्म में देखते हैं, अपर लिमिट यानी कि पाई माइनस कॉस एन पाई बाय एन माइनस लोअर लिमिट पाई माइनस जीरो माइनस कॉस एन इंटू जीरो यानी जीरो बाय एन। ओके सो टू बाय पाई, पाई माइनस पाई जीरो, तो ये पूरा टर्म हो गया जीरो, यहां पे बचेगा माइनस पाई माइनस जीरो यानी पाई माइनस कॉस जीरो की वैल्यू होगी माइनस वन एन एज इट इज, सो ये हो गया हमारे पास टू पाई माइनस माइनस प्लस पाई बाई एन, सो पाई पाई कैंसल, तो हमें बी एन की वैल्यू क्या मिली टू बाई एन, इसको बोल देता है इक्वेशन टू। अभी ये इक्वेशन टू है उसकी वैल्यू हम इक्वेशन वन में रख देते हैं, तो हमारी फूरियर सीरीज क्या होगी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एन इज इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट, बी एन की जगह आएगा टू एन साइन एन एक्स, तो ये हो गई हमारी फूरियर सीरीज। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।